36,000 ही होगा सोना। रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना। सोने ने निवेशकों को किया मालामाल। सोने ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कभी निवेशकों को निराश नहीं करता है। शायद यही वजह है कि निवेश के मामले में ज्यादातर भारतीय सोने में पैसा लगाना पसंद करते हैं। शुक्रवार को सोने का भाव M6 पर 34,120 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। M6 पर सोने का भाव 4 महीने के ऊपरी स्तरों पर है। वहीं दिल्ली के सराफा बाजार की बात करें तो दिल्ली में हाजिर सोने का भाव 280 रुपए बढ़कर 34,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव $1,400 प्रति औंस के करीब पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 साल के ऊंचे स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। विदेशी बाजार में मार्च 2014 में सोने का भाव $1,383 प्रति औंस पहुंचा था। उम्मीद की जा रही है कि सोने में ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। आने वाले समय में गोल्ड के भाव और ऊपर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो $1,440 से लेकर 36,000 तक के लेवल अगर हम देखें तो MCX में या फिर स्पॉट मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो दिवाली तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी फिजिकल मार्केट में गोल्ड या सिल्वर लेना चाहते हैं या फिर गोल्ड लेना चाहते हैं फिजिकल में ज्वेलरी के फॉर्म में, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है जहां पर वो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छा बेनिफिट देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के भाव आने वाले समय में 36,000 तक जा सकते हैं। तो हमारा व्यू है कि जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी गोल्ड के अंदर लेना चाहते हैं, वो फिलहाल अभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोने में तेजी के आसार आगे भी बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ महीने में सोने का भाव 35,000 प्रति 10 ग्राम के पार हो सकता है। सराफा बाजार में दिवाली तक सोने की कीमत 35,500 से लेकर 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो सकता है। सोने में अचानक आई तेजी के पीछे कई बड़ी वजह है। US फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। फेड इस साल ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। फेड ब्याज दरें घटाता है तो निवेशक इक्विटी और बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने में निवेश करेंगे। इसके अलावा दक्षिण ईरान में एक रॉकेट अटैक से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ने की आशंका है। 10 साल की अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सोने को लेकर सेंटिमेंट बेहतर हो गया है। पीछे की वजह यहाँ पर देखें तो प्रमुख वजह यह है कि एक तो पहली बात कि यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट अपने कट करने के इंडिकेशन पूरी तरह से दे चुका है। दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, US ने जिस तरीके से आर्मी को डिप्लॉय किया है उसका एक इम्पैक्ट। तीसरी तरफ है कि ओपेक कंट्री की यहाँ पर 1 और 2 जुलाई को मीटिंग है और उसमें भी क्रूड ऑयल में जो प्रोडक्शन कट है उसको कंटिन्यू करना है, जिसकी वजह से तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होता नहीं दिख रहा है। ट्रेड वॉर बढ़ा तो इक्विटी मार्केट पर दबाव बनेगा जिससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। इस साल घरेलू स्तर पर शादियों का सीजन भी काफी बिजी रहने वाला है जिससे सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद सोने में एक शानदार तेजी देखने मिली है। पिछले 1 महीने में सोने में लगभग 10% का उछाल देखने मिला है। भारतीय वायदा बाजारों में यहाँ पे सोने की डिमांड बढ़ते हुए देखने मिल रही है। शादियों की सीजन पूर्व बाहर में आने वाली है और साथ ही में अगर देखने जाए तो सोना यहाँ पे हमें 36,000 के ऊपर के स्तरों के ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है। देश में 2 महीने बाद त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, उसके 1 महीने बाद शादियां शुरू हो जाएंगी। जाहिर है हर शादी में गहनों के बिना काम नहीं चलता, इसलिए छोटा हो या बड़ा हर शख्स इस मौके पर गहने खरीदता है। तो बढ़ते सोने के दामों के बीच आपके यहाँ होने वाली शादी का वजन बढ़ना तो तय ही है।